सौतेली माँ का अत्याचार। नमकपुर नामक गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक नवविवाहित पति पत्नी एक साथ रहते थे। परिवार का मुखिया किशन गांव के बाहर फैक्ट्री में काम किया करता था। इसके साथ किशन के पास उसके पुरखों के कुछ खेत थे, जिस पर वो खेती बाड़ी भी कर लिया करता था। वही किशन की पत्नी उर्मिला घर पर ही रहकर घर के काम किया करती थी। किशन और उर्मिला ने लव मैरिज की थी और दोनों आपस में एक साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। किशन और उर्मिला की शादी को 5 साल बीत चुके थे, परंतु उनके आंगन में अभी भी एक बच्चे की कमी थी। क्योंकि किशन एक समझदार पति था, इसलिए उसने ये कमी अपनी पत्नी उर्मिला को कभी महसूस नहीं होने दी। किशन और उर्मिला ने तरह तरह के डॉक्टरों से इलाज कराया। पंडित और बाबाओं के कहने पर उन्होंने अपने घर में हवन भी करवाया, गरीबों में दान किया, परंतु फिर भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पा रहा था। अंत में किशन अपनी पत्नी उर्मिला को शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया। अस्पताल वालों ने उर्मिला के कई कई तरह के टेस्ट किए और उसका पूरे 1 महीने तक इलाज चलाया। 1 महीने बाद डॉक्टर उर्मिला को बताते हैं कि अब वो माँ बन सकती है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, हमने तो केवल अपनी ड्यूटी की है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। किशन और उर्मिला भी वापस अपने गांव आ जाती हैं। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद उर्मिला गर्भवती हो जाती है। सुनिए जी, आप बाप बनने वाले हैं। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। लव यू स्वीट हार्ट। आज से तुम घर के कोई काम नहीं करोगी। अब तुम्हें केवल मेरे बच्चे का ध्यान रखना है और रेस्ट करना है। ये आप क्या कह रही हैं? आप पूरा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं घर पर रहकर घर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें खुशी से एक बेटा देना चाहती हूँ। नहीं उर्मिला, हमें बेटी होगी। मुझे एक बेटी चाहिए। नहीं, हमें बेटा होगा। मुझे तो एक बेटा ही चाहिए। बेटा बड़ा होकर हमारी लाठी का सहारा बनेगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, हमें ये बातें करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अंत में भगवान जो देगा उसे ही आशीर्वाद समझ कर रख लेंगे। इसी तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते खाते ढेर सारी बातें करके सो जाते हैं। इसी तरह समय बीत रहा था और पूरे 9 महीने बाद उर्मिला को एक लड़की पैदा होती है। उर्मिला उस लड़की का चेहरा देखकर खुश होने की बजाय हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। कोई बात नहीं उर्मिला, ये काली है तो क्या हुआ? हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे और उसे अच्छी शिक्षा भी देंगे, ताकि हर कोई हमारी बेटी को पसंद करे। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ घर आ जाते हैं। वे दोनों अपनी बेटी का नाम चांदनी रखते हैं। एक दिन उर्मिला मार्केट से कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि तभी अचानक उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गाँव वाले जब ये खबर किशन को देती है तो वो बहुत दुखी होता है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाता है। ये क्या भाग्यवान तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई? अभी तो हमारी बेटी बहुत छोटी है, मैं भला अकेले उस नन्ही सी जान का ध्यान कैसे रखूंगा? इस तरह किशन अपनी पत्नी से ढेर सारी बातें करता है, परंतु वो अब भगवान के पास चली गई थी, इसलिए गांव वाले उसे समझाकर शांत करा देती हैं। थोड़ी देर बाद किशन गांव वालों के साथ मिलकर उर्मिला का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिन बाद किशन के कुछ रिश्तेदार घर आते हैं। अरे किशन भैया, अभी चांदनी बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। मेरी समझ से आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इससे चांदनी को एक माँ का प्यार मिल जाएगा और आप भी अपने काम धंधे में मन लगाकर काम कर पाएंगे।
इस तरह किशन रिश्तेदारों के कहने पर दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर किशन एक सीता नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। सीता शुरुआत के दिनों में तो चांदनी का बहुत ध्यान रखती है और उसे समय पर खाना पीना खिलाती है, परंतु जैसे जैसे चांदनी बड़ी हो रही थी, चांदनी का काला रंग सीता के प्यार को कम कर रहा था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब सीता को एक लड़का पैदा हो जाता है। सीता उसका नाम सूरज रखती है। सूरज का रंग दूध की तरह सफेद था और वह दिखने में बहुत क्यूट लगता था, इसलिए अब सीता पूरा दिन सूरज की देखभाल में ही लगी रहती और अब वो चांदनी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब सूरज और चांदनी दोनों बड़े हो चुके थे। चांदनी के पिता कई सालों से काम की तलाश में शहर में ही रह रहे थे और वहीं से चांदनी और सूरज की पढ़ाई के लिए पैसे भेज दिया करते थे। यहाँ गांव में सीता चांदनी पर दिन रात अत्याचार करती थी। सीता चांदनी के काले रंग के कारण उससे पूरा दिन घर के कामकाज करवाती और बदले में उसे खाना भी खाने को नहीं देती थी। जबकि दूसरी तरफ सीता का सगा बेटा एक बड़ी प्राइवेट इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ता था और पूरा दिन खेलकूद में लगा रहता था। सूरज अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। वो पूरा दिन बाइक पर घूमता, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता और देर रात को घर वापस आता था। एक दिन सीता बाथरूम में कपड़े धोने जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है। हाय राम, ये फर्श पर पानी किसने फैलाया? मर गई, मुझे उठाओ आकर कोई। सूरज बेटा, सूरज प्लीज आकर मेरी मदद करो। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर चांदनी वहाँ आती है। क्या हुआ माँ, आप यूँ फर्श पर क्यों लेटी हुई हो? चुप कर तू कलमुही। जरूर तूने ही मेरी जान लेने की कोशिश की है, तभी मेरा ये हाल हुआ है। तूने यहाँ फर्श पर पानी क्यों गिरा रखा था? माँ, वो मैं बाथरूम की सफाई करने ही जा रही थी कि तभी सूरज भैया ने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया। कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं तुझे माफ करने वाली नहीं हूँ। तेरी यही सजा है कि अब अगले दो दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। खबरदार, जो तूने अपने हाथ से अपने खाने के लिए कुछ भी बनाया, समझ गई? और ये सभी कपड़े धोकर इस्त्री कर दियो। मैं और मेरा बेटा मॉल से कपड़े लेने जा रहे हैं। जब तक हम घर वापस आए, घर के सभी काम हो जाने चाहिए। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। अपनी सौतेली माँ के मुँह से खरी खोटी सुनने के बाद भी चांदनी कुछ नहीं कहती और ना ही वो अपनी माँ से अपने लिए कपड़े मांग सकती थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे सूरज के पुराने कपड़े पहनने को दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन सीता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। चांदनी अपनी माँ की ये हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और डॉक्टर को घर बुला लेती है। डॉक्टर सीता को जल्दी से एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगाता है, जिससे सीता की तबीयत में थोड़ा आराम आ जाता है। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, अभी इन्हें पूरे 2 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। पेशेंट को समय समय पर देखभाल की जरूरत है। आप इन्हें कुछ दिनों तक सुबह शाम काढ़ा बनाकर पिलाइए और जैसे ही इनको डॉक्टर की आवश्यकता हो हमें कॉल कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद जब चांदनी अपनी माँ को घर ले जाती है तो सीता चांदनी को ही अपनी बीमारी का कारण मानती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। मासूम चांदनी कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में एक नदी के किनारे बैठकर चांदनी जोर जोर से रो रही थी। उसके दुख को देखकर आसमान से एक परी प्रकट होती है। कोई बात नहीं चांदनी बेटा, तुम्हें यूँ घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे सांवले रंग की वजह से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, परंतु परीलोक की परियां तुम्हारे साथ है। ये लो, ये जादुई क्रीम है। इस क्रीम को लगाने से कोई भी व्यक्ति चुटकियों में स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। ये क्रीम मैं तुम्हें दे रही हूँ,
तुम इस क्रीम को लगाकर हमेशा के लिए सुंदर हो सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। चांदनी परी की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, वहाँ घर पर मेरी माँ बीमार है, अगर मैं उन्हें ये क्रीम ले जाकर दे दूँ तो शायद वो इस क्रीम से स्वस्थ हो जाएंगी और उसके बाद उन्हें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। मेरा क्या है, मैं तो काले रंग में भी खुश हूँ। इतना सोचकर चांदनी वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब चांदनी रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करती और उसके बाद अपनी माँ की देखभाल भी किया करती थी। चांदनी लगातार सुबह उठकर अपनी माँ को काढ़ा बना कर देती और समय समय पर उनको जादुई क्रीम भी लगा दिया करती थी। इसी तरह पूरे एक हफ्ते में ही जादुई क्रीम की मदद से सीता की तबीयत पूरी तरह सही हो जाती है। अपनी सौतेली बेटी चांदनी को इतनी सेवा करता देख सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक तुझ पर हजार अत्याचार किए परंतु तूने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया और आज मुश्किल समय में तूने दिन रात जागकर मेरी सेवा की, जबकि मेरा सगा बेटा सूरज तो केवल मुझसे पैसे लेने आया करता है। उसने एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत का नहीं पूछा। आज से मैं तुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरा फर्ज था, भला मुश्किल वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसी तरह उस दिन के बाद वो दोनों सौतेली माँ बेटी एक साथ बड़े ही प्यार से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भगवान हमें उसकी सजा जरूर देते हैं।